कोविड के बाद धीरे धीरे स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और ज़्यादातर स्कूलों को खोल भी दिया गया था, लेकिन अब ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए क्षमता को फिर से कम करने के लिए कहा गया सरकार की ओर से, और कई स्कूल ऐसे हैं जिन्हें ना खोलने की हिदायत दी गई है। साथ ही जो प्रोटोकॉल हैं उनको लेकर भी गंभीरता बरतने की बात अब की जा रही है। क्या कुछ योजनाएँ हैं अब सरकार स्कूलों को लेकर क्या रुख अपनाती है, इसको लेकर हमारे साथ शिक्षा एवं वन मंत्री हरियाणा कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, स्कूल धीरे धीरे खोले थे सरकार ने, लेकिन वो ओमिक्रॉन ने खतरे के बाद फिर से वही जो प्रोटोकॉल थे वो सब योजनाएं जो थी स्कूल खोलने की, अब किस तरह सरकार इसे हैंडल करेगी? देखिए, सबसे पहले स्कूल खोलने का काम हमने हरियाणा सरकार ने किया और हमारे स्कूल बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो निर्णय था वो 1 दिसंबर से पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूलों को खोलना और पूरे टाइम के लिए स्कूल खोलने का निर्णय हमने लिया था, लेकिन जो नया वेरिएंट आया उसको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से हमने उस निर्णय को स्थगित कर दिया और अभी वो उसी प्रकार से है। अगर स्थिति सामान्य रहती है तो आने वाले टाइम में फिर हम निर्णय लेंगे पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का। सर, एक हरियाणा सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि टैबलेट बच्चों को बांटे जाएंगे पढ़ाई के लिए, तो वो योजना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कब तक जो है बच्चों के हाथ में टैबलेट पहुँच जाएंगे? देखिए, वो जल्दी बच्चों तक पहुँचेंगे और वो सारा कुछ फाइनल हो चुका है और हाई पावर परचेज कमेटी जो है उसने उनका रेट निश्चित कर दिया और सैमसंग जो है उसका जो टैबलेट है हमने खरीदा है, तो जल्दी जो टैबलेट है हमें उपलब्ध होंगे और निश्चित तौर से बच्चों को दे देंगे। सर, एक जो पेड़ों की पेंशन की स्कीम शुरू की थी सरकार ने, तो कितने पेड़ों को चिन्हित किया गया है और जो पेंशन है क्या वो उनको शुरू कर दी गई है पेड़ों के मालिकों को? नहीं, जल्दी हम वो पेड़ों की पेंशन शुरू करने वाले हैं और 3,000 से ज़्यादा पेड़ हमने चिन्हित किए हैं। अभी जैसे आपका चैनल है, इसके माध्यम से भी और अन्य और दूसरे माध्यम से भी हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। अगर किसी के पेड़ ऐसे हैं जो उस गणना में नहीं शामिल हुए तो वो लिख के दे सकते हैं और निश्चित तौर से हम उसको चेक कराएंगे, उनको भी शामिल कर लेंगे। जो पेंशन की राशि है सर, वो कितनी अब हो गई है, बढ़ाई गई है सरकार की ओर से? देखिए, वो पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था कि जो बुजुर्गों की पेंशन है जो अब 2750 रुपये है, तो 2750 रुपये उनको देंगे और जिस प्रकार से हर साल 250 रुपये पेंशन बढ़ती है तो इसी प्रकार पेड़ की पेंशन भी जो है वो 250 रुपये उसके साथ ही बढ़ेगी। सर, एक भर्ती घोटाले का जो मामला है, कांग्रेस लगातार उस मामले को उठा रही है, लगातार प्रेस वार्ताएं हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि आरोपी जो है वो सरकार के सामने है, लेकिन सरकार जानबूझकर आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, एक धृतराष्ट्र की भूमिका जो है सरकार निभा रही है। नहीं, आरोपी तो सारे जेल में है, सरकार के सामने कहाँ है? अब कांग्रेस को कहीं दिखाई दे रहे हो, बताएगा कौन कौन है? जो भी थे, चाहे पेपर लीक करने के मामले में थे, उन सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि इनकी तो बड़ी भारी डिमांड थी कि CBI से जांच करो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितनी जल्दी जांच हमारी पुलिस ने की और जितनी जल्दी उनको सबको अरेस्ट करके जेल में डालने का काम किया, वो वहाँ से नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस प्रकार की चिंता सरकार की थी, सरकार ने जिस पक्के इरादे के साथ सारा काम किया वो अपने आप में मिसाल है। और अभी जो HPSC में भी हुआ, उसमें भी जो HS अधिकारी था उसको बर्खास्त भी कर दिया और वो जेल में भी है, और आने वाले टाइम में भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हम कानून लेके आए और हमने कहा कि अगर कोई भी पेपर लीक करेगा तो उसको 10 साल की सजा होगी और जो भी खर्चा सरकार का होगा उस सारे खर्चे की जो भरपाई है उससे ही की जाएगी। तो सरकार अपनी तरह मतलब अब पूरी तरह से वचनबद्ध है और ईमानदारी के साथ इस प्रकार से निष्पक्षता से नौकरी थी वो दी जा रही। हालांकि गड़बड़ घोटाले तो ने कांग्रेस के टाइम के थे, जब जिन लोगों के पास डिप्लोमा भी था उन लोगों की भी नियुक्ति कर दी और उन लोगों की वजह से जो ठीक लोग थे उन बेचारों को परिणाम भुगतने पड़े। अब सारी की सारी भर्ती जो थी PTI की कैंसिल होगी, आर्ट एंड क्राफ्ट की कैंसिल होगी, तो इनमें ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग वैसे भर्ती थे, कुछ लोग अच्छे लोग भी थे, लेकिन उन लोगों के जो सिफारसी लोग थे उन लोगों की वजह से उन लोगों को भी सजा की बेचारों को। तो ये जो घोटाले थे ये कांग्रेस के टाइम के घोटाले थे, आज हमारे टाइम में कोई इस प्रकार का कोई घोटाला नहीं। सर, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता में कहा है कि जो अनिल नागर को बर्खास्त सरकार ने किया है, जो पंचकुला में कांग्रेस का प्रदर्शन किया गया था उससे डर के जो है आनन फानन में उसे बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस के प्रदर्शन में तो व्यक्ति थे नहीं, डरना क्या काम थे, वो तो उनके भी लोगों को पता कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही। अब अगर किसी कांग्रेसी को भी आप कैमरे के सामने ना लेके वैसे अगर उसके साथ बातचीत करें, वो भी कहता है कि सरकार निष्पक्षता के साथ काम कर रही और मेरिट के हिसाब से नौकरी दे रही, वो भी मानता है। आज हरियाणा की सारी जनता मानती है कि जो नौकरी है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, विकास में कोई भेदभाव नहीं है। कांग्रेस के टाइम में नौकरियों में भी एक मुद्दा था कि वो अपने लोगों को दी जा रही और विकास भी एक मुद्दा था
कि उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है, आज कोई मुद्दा नहीं है। तो ये थे कंवरपाल गुर्जर जिन्होंने बताया कि एक तो हरियाणा में जो पेड़ों को पेंशन देने की योजना शुरू की गई है, जितने हरियाणा में बुजुर्ग लोगों की पेंशन होगी पेड़ों की पेंशन भी उतनी होगी। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि जिस तरह से भर्ती घोटालों को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि सरकार किस तरह से निष्पक्षता के साथ काम कर रही है और जो भी आरोपी हैं वो आज जेल के अंदर हैं। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।